नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। तो करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर जबलपुर से, हत्या या हादसा। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में पुल के नीचे एक युवक की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। बताया जाता है कि युवक अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश पुल के नीचे संदिग्ध हालत में मिली। युवक के शरीर में चोटों के निशान है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि यह हत्या है या हादसा। ग्वारी घाट इलाके का युवक संजय झारिया कल शाम को अपने घर से घूमने जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद जब वह देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोज करना शुरू किया। सुबह परिजनों को पुलिस ने सूचना दी कि संजय की लाश ग्वारी घाट पुल के नीचे पड़ी है। परिजनों ने मौके पर जाकर लाश की पहचान की। वहीं युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने प्रकरण कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि यह हत्या है या हादसा। जबलपुर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अजहर खान की रिपोर्ट। जी, हमको शाम को पता लगा 9 बजे, उसकी बच्ची ने बताया घर में कि पापा नहीं है घर में। तो जाकर पूछा तो उसके साथ के लड़का से पूछा, जाकर बोले वो तो भाग गया। तो उससे कहीं चल के तुम बताओ वहाँ पे स्थान कहाँ पे गिरा। तो एक चप्पल मिली वहाँ पे और गाड़ी का सेफ टूटा मिला। कहाँ पे मिला है, कौन सी जगह? पुल में, पुल के ऊपर। ये कौन सा पुल है? रेलवे पुल, करेनी घाट। क्या नाम है इनका जो? संजय झारिया। घर में कोई विवाद है बात? नहीं, कुछ नहीं, दोस्त के साथ था। कुछ रोटी खाने जाती थी। जी जी, ठीक है। आपका नाम बता दें। सुरेश प्रसाद झारिया जी। ठीक है, जान देगा आज का है। सुबह 100 डायल से फोन आया था, इवेंट पर आया था कि एक रेलवे, पुराना रेलवे पुल के पास में नीचे लाश पड़ी है, तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आए थे। जो मृतक संजय झारिया, पिता हरिलाल झारिया, मृत अवस्था में पड़ा था। ऊपर पुल करीब ऊंचाई 180 फुट है, उसके नीचे से गिरा हुआ था। तो इसका जो चाचा है कुटवार सुरेश प्रसाद झारिया, मोहास का रहने वाला, उसने बताया कि इसको ढूंढते कल से ये नहीं मिल रहा था, तो वो शाम को नहीं आया था, तो उसको ढूंढते आए थे तो यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। तो उसको ऊपर ऐसा लगता है कि ऊपर से पुल के ऊपर से गिरा है, तो उसको चोट सिर में और मुँह पर चोट है और मछली ने थोड़ी उतर ली है बस। आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर हंटर न्यूज। खबर जबलपुर से, AK-47 तस्करी मामले में जबलपुर पुलिस को मिले एक पत्र ने हड़कंप मचा दिया है। तस्करी के इस खेल में पत्र के जरिए एक महत्वपूर्ण इनपुट जबलपुर पुलिस को मिला है। SP अमित सिंह ने खास बातचीत करते हुए बताया है कि जबलपुर शहर के 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके पास AK-47 होने का दावा किया गया है। पत्र और पत्र में दी गई जानकारी की जांच के लिए जबलपुर SP अमित सिंह ने इसका जिम्मा क्राइम ब्रांच को दे दिया है, जो पत्र के हर पहलू पर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में जिन लोगों के नाम आए हैं वो नामचीन है। बहरहाल पूरे मामले में अभी जांच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकेगा। गौरतलब है कि जबलपुर की सुरक्षा संस्थान COD फैक्ट्री से सेना को सप्लाई की जाने वाली AK-47 हथियारों की अवैध तस्करी का खेल उजागर हुआ था। मामले में पूर्व में फैक्ट्री के सीनियर स्टोर मैनेजर सुरेश ठाकुर समेत एक्स आर्मोरर पुरुषोत्तम रजक एवं अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में अब तक 70 से अधिक AK-47 हथियार की तस्करी की बात सामने आई है। जितने भी AK-47 हथियार जब्त किए गए हैं वह सभी बिहार के मुंगेर और आसपास के जिलों से कब्जे में लिए गए। कहीं कब्रिस्तान तो कहीं नाले में AK-47 के कलपुर्जों को छिपाकर रखा गया था। अब पूरे मामले की जांच NIA के हवाले कर दी गई है। जबलपुर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अजहर खान की रिपोर्ट। में बेची गई हैं, उसके बारे में भी हमारी टीम लगी हुई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कुछ गाहे बगाहे हमें सूचना मिली कि यहाँ के कुछ लोगों के पास भी हैं, तो हमारी टीम क्राइम ब्रांच
लगी हुई है, दो तीन लोगों के उसमें नाम आए हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कितनी वास्तविकता है ये पकड़े जाने के बाद ही होगा। कई बार लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, अननोन बनकर वो पत्राचार करते हैं, सूचनाएं देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक इनपुट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ हैं चीज़ें हैं तो हम उसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।